70 साल के भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग के वहां पे राज्यसभा अध्यक्ष ने पास 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 करके पास कर दिया, जबकि पूरा हाउस चिल्ला रहा था। इनसे किसी से पूछो भाजपा वाले से फायदा क्या है, तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है, किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यही बोलो। ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाया गया। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कानून समझ नहीं, कानूनों का फायदा समझ नहीं आता, तो केंद्र सरकार ने अपने सारे बड़े दिग्गज नेता, जितने बड़े बड़े इनके नेता हैं, उनको उतारा है कि समझाओ, और वो समझा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो टीवी में आ रहा था, शायद बरेली में 20,000 किसानों की रैली उन्होंने की। उनको कहा गया भाई इन तीनों बिलों के फायदे समझाओ, तो फायदे समझाने लगे वो। मैं सुन रहा था उनका बात, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा है? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, ये फायदा है क्या? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, तुम्हारा ये, अरे भैया ये तो था ही हमारे पास, फायदा क्या है? तो इनसे किसी से पूछ लो, ये भी इतने सारे बैठे हैं, किसी से पूछ लो, किसी भाजपा वाले से कि फायदा क्या है। वो बता रहे हैं कि आ रहा हूं उसमें फायदा और नुकसान, तो उन्हें नफा नुकसान बताऊंगा, चिंता ना करो। तो इनसे किसी से पूछो भाजपा वाले से फायदा क्या है, तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है, किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता। यही कहते हैं ना ये, तो एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए, मैंने आप लोगों जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था। मैं आज धान का MSP 1868 है, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 900,000 रुपए में बिक रहा है। मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहां ये फसल बेच के आए कि इसको MSP से ज्यादा दाम मिल जाए। हवा में बात करने से क्या फायदा है, कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहां बेच लें, बताओ तो सही। अब हमारे देश का किसान पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, वो देश का किसान कहीं भी नहीं बेचेगा। उनको भी पता है कि कौन बेचेगा, उनसे पंजाब में खरीदेगा, उत्तर प्रदेश में उनसे 800 रुपए में बेच के वही बड़े बड़े पूंजीपति इतनी महंगाई कर देंगे कि वो पूरे देश के अंदर इसको महंगा बेचेंगे। ये किसानों के बेचने के लिए कानून नहीं बनाया गया। तो कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, किसानों को भ्रमित नहीं किया जा रहा, भाजपाइयों को भ्रमित किया जा रहा है। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यही बोलो। मैंने आज पूरा भाषण सुना योगी आदित्यनाथ जी का, उनको भी नहीं पता इसका क्या फायदा। वो पूरे भाषण में वो भाषण था इसी बात के लिए कि किसानों को बताना है कि इसका क्या फायदा है। आज सुप्रीम कोर्ट में केस था, कल भी था, हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। केस इसलिए था कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, इसलिए ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। हमारे वकील ने खड़े होकर कहा जी इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, आज अगर अभी केंद्र सरकार एक घंटे में इनकी मांग मान ले धरना उठ जाएगा। धरना क्यों नहीं उठ रहा? धरना इसलिए नहीं उठ रहा केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। तो केंद्र सरकार का वकील बोलता है कि ये दिल्ली सरकार तो का वकील तो किसानों का वकील बन के बना हुआ है। मैं केंद्र सरकार वाले को कहना चाहता हूं तुम भी किसानों के वकील बनो, तुम भी किसानों का काम किसके लिए करो,
किसान इस देश का निर्माता है, और अगर किसानों की वकालत नहीं करोगे तो किसकी वकालत करोगे? दलालों की वकालत करोगे? एक कई लोग मुद्दा उठा रहे थे कि कोरोना काल में ऑर्डिनेंस क्यों पास किया गया, ऐसी क्या जल्दबाजी थी? अभी यह कानून शायद 70 साल के भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग के वहां पे राज्यसभा अध्यक्ष ने पास 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 करके पास कर दिया, जबकि पूरा हाउस चिल्ला रहा था। जैसे आप यहां बैठे हैं, कई बार हाउस चिल्लाता है, आपने तो कभी बिना वोटिंग के कोई कानून पास नहीं किया। अगर हाउस चिल्लाता है आप 10 मिनट के लिए एडजर्न कर देते हो, फिर दोबारा बैठते हैं, फिर हाउस ऑर्डर में आ जाता है, फिर वोटिंग कराते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना वोटिंग के अंदर 3 कानून बस पास पास कर दिए अध्यक्ष ने और पास हो गए, कोई वोटिंग नहीं कराई। ऐसी क्या आफत थी कि ये कानून पास कर दिए गए? पिछले 6-7 साल से आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया, कितना पैसा खर्च होता है चुनावों के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं, और ये 3 कानून है, ये 3 कानूनों को मैं सदन के सामने दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान